से पहले कि मैं आपको बता दूं मैं कहाँ हूँ, चलो आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँची। तो बस 2 दिन पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं धर्मशाला जाऊँगी, और क्या है फिर IRCTC पे फटाफट से टिकट बुक कर ली और जी ये लो मैं पहुँच गई। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ प्लान किए, बिना कुछ डिसाइड करे मैं थी अपने ट्रेन पे टूवर्ड्स पठानकोट। ऑफ लिविंग विद साइली, कैसे आप सब? हम जा रहे एक नए ट्रिप पर। आई एम नाउ ऑन अ ट्रेन। अभी मैं अपना काम कर रही थी और मैंने ये देखा कि मेरा पूरा जो फ़ोन है उसका आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। तो ये लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे ट्रेन पे व्लॉग करने में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी फ़ोन की जो बैटरी है वो अचानक से स्वेल हो गई और मेरा फ़ोन हो गया था ख़राब। तो जी हाँ, पठानकोट में सबसे पहले मैंने ढूंढा एक सर्विस सेंटर, अपना फ़ोन रिपेयर कराया और फिर मैं चल पड़ी धर्मशाला की तरफ। तो आप सोचते होंगे पठानकोट ही क्यों? जी मुझे ये सबसे ज़्यादा नज़दीकी रास्ता लगा यहाँ पर पहुँचने के लिए। मैंने किसी से रेफ़र नहीं किया था, बस ट्रेन देखा, डेस्टिनेशन देखा, मैप देखा और पहुँच गई। ऑफ कोर्स पठानकोट से मैंने ISBT की बस ले ली थी फॉर धर्मशाला, जिसने मुझे अराउंड 3 आवर्स में यहाँ पर पहुँचा दिया। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लिविंग विद साइली। आई होप आप सब अच्छे हो। मैं आपका स्वागत कर रही हूँ धर्मशाला से। आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी हियर। आई वांटेड टू कम टू धर्मशाला फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड हियर आई एम। अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, सुबह थोड़ी सी धूप निकली थी लेकिन अभी बादल ही बादल है। ये रहा यहाँ का अद्भुत नज़ारा। यहाँ से हुआ था सनराइज़ और यहाँ पर दिखते हैं धौलाधार के बहुत ही सुंदर पहाड़ जो अभी पूरी ही तरह बादलों के पीछे ढक गए हैं। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, मैंने चाय पी ली है, अभी हम करेंगे काम और फिर मैं आपको शाम को लेके जाऊँगी यहाँ पर टहलने के लिए और आपको मेरा कैंप भी ज़रूर दिखाऊँगी। सो वेरी एक्साइटेड, स्टे ट्यून्ड। मैं कुछ अपना काम करने लगी थी और कुछ 2 से 3 सेकंड के अंदर यहाँ का पूरा नज़ारा बदल गया है। मतलब इतने ज़्यादा क्लाउड्स आ गए हैं और सामने वाले माउंटेंस जो सुबह तक काफ़ी अच्छे से विजिबल थे वो पूरे के पूरे बादलों के अंदर छुप गए हैं। अभी मैं जा रही हूँ नीचे मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए और मार्केट में जाने के लिए सबसे पहले ये पहाड़ उतरना पड़ता है और जाना पड़ता है वहाँ नीचे तक। चलो अच्छा है, बढ़िया है, अभी एक्सरसाइज होते रहेगी ना जब तक यहाँ पर हूँ तब तक। हर बार नीचे जाना ऊपर आना बस यही चलते रहेगा। ये पाथ देखो कितने अच्छे से लेड आउट है, साथ में इतने सुंदर सुंदर पेड़ लगे हैं यहाँ पर। और मैं कह रही थी ना नीचे जाना है, तो वो वहाँ पर रोड है जो यहाँ से होते हुए यहाँ कैंप तक आती है और इतना चलना है। और ये नदी बहती रहती है दिन भर रात भर, इसी की आवाज़ आ रही है आपको, और ये ऐसी बह रही है उसी की आवाज़ आते रहती है। नदी बोल सकते हैं, छोटा सा झरना बोल सकते हैं, चाहे जो कुछ बोलो, बट इट्स अ वाटरवे। और इतनी प्लीजिंग और इतनी कामिंग साउंड है ना इसकी, बस रात भर यही सुनो। और अब मैं आपको बता देती हूँ ना, क्योंकि बादल थोड़े से खुल गए हैं तो वहाँ पर है धौलाधार रेंज, ये पूरे है धर्मशाला वाले पहाड़, मैक्लोइडगंज वो वहाँ पर उस कोने में ना, मतलब यहाँ से कुछ 8-9 किलोमीटर दूर वहाँ पर उस कोने पर है धर्मशाला। अभी मैं जा रही हूँ नीचे मार्केट में ना कुछ सामान लेना है छोटा मोटा, तो वो ले आती हूँ। ये रहा जी मेरा ट्राइपॉड और अभी मैं जा रही हूँ नीचे, आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। आई हैड गॉन इन सर्च ऑफ द मार्केट और कुछ सामान लेने पर कुछ मिला ही नहीं, बिकॉज यहाँ पर आई थिंक सब चीज़ें काफ़ी बहुत दूर है। तो कुछ दूर तक गई
और वापस आ गई। बट यहाँ पर जितना मैं नेचर में चल रही हूँ ना, यहाँ पर इतनी तरह तरह की बटरफ्लाइज है सब जगह पर, विद डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट ओरिएंटेशन। वाह, थक गई मैं, इतने में ही थक गई यार। लोग कैसे ना इतना ऊंचा चल लेते हैं हर वक्त। मैं तो इतने में ही मेरी सांस फूल रही है और मैं सोच रही हूँ ट्रैक्स पे जाऊँ, ये करूँ वो करूँ। आई रियली नीड टू बिल्ड अप ऑन माई फिजिकल एबिलिटी। तो हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि अटेम्प्ट तो मैंने किया मार्केट में जाने का, बट यहाँ पर सब कुछ काफ़ी दूर है। सांस फूल गई मेरी, बिकॉज यू आर आउट ऑफ द सिटी। तो अभी मेरे को एक स्कूटी का जुगाड़ करना पड़ेगा, जहाँ से यू नो, जिससे मैं मार्केट में बहुत आसानी से आ जा सकूँ। द प्लेन बेसिक सिंपल लंच इज समथिंग दैट एवरीबडी क्रेव्स फॉर अलॉन्ग विथ मी। आप कहीं बाहर आए और आपको ऐसे घर का खाना खाने मिले तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, और अभी मुझे वही मिल रहा है। आई एम गेटिंग नाइस होम कुक्ड राजमा विथ चावल, सम अनियन, एंड बस दिस इज लाइक हेवन। अब मैं फटाफट से अपना ना ये लंच ख़त्म करती हूँ और आपको खाना खाने के बाद मिलती हूँ। अब बढ़िया सा खाना खा लिया, अब पीते हैं एक ग्लास बढ़िया छाछ, क्योंकि सुबह माहौल थोड़ा सा ठंडा था, अब थोड़ी सी गर्मी लग रही है और इस गर्मी से बचने के लिए छाछ से बेहतर और क्या हो सकता है बताओ। वैसे तो मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग कर रही हूँ ना, तो शायद मैं व्लॉगिंग करना भूल गई हूँ, शायद नहीं बिल्कुल ही भूल गई हूँ। अगर एंगल ठीक ना हो या कोई शॉट अच्छा ना हो या मैं कुछ ज़्यादा ही बकवास बड़बड़ कर रही हूँ तो समझ लेना, है ना, क्योंकि बहुत दिनों बाद स्टार्ट कर रही हूँ वापस। तो अभी मैं पीती हूँ एक ग्लास छाछ और शाम को कहीं चलते हैं बाहर घूमने। अभी तो वैसे प्लान बना था वहाँ पर उस व्यू पॉइंट पे जाने का, वो उधर एक व्यू पॉइंट है, लेकिन अभी यहाँ पर चारों तरफ इतने बादल आ गए और यहाँ पर बारिश होने वाली है, तो आई डोंट थिंक कि अभी हम कहीं पर जा पाएंगे। अगर जा पाए तो इट्स गुड, बट अभी शाम का समय है और चाय का समय है, तो अभी हम इंजॉय करेंगे एक प्यारी सी चाय इन दिस वैली। तो दिस इज वेयर आई एम स्टेइंग, दिस इज माई स्टे, एंड सिमिलर टू दिस यहाँ पर ऐसे बहुत सारे टेंट्स हैं, बिकॉज ये एक कैंपिंग स्पॉट है और हम नेचर में कैंप कर रहे हैं। चारों तरफ ऐसे यहाँ पर जंगल है, पहाड़ है, वहाँ पर थोड़े से कुछ घर है, मतलब छोटा सा गाँव है वहाँ पर, और ये मतलब ये पूरा सामने एक गांव है। वहाँ पर ना, वहाँ पर और वहाँ पर वो है धर्मशाला सिटी, लाइक मेन टाउन, और वहाँ पर बहुत ऐसा रश है, हसल बसल है, इट्स वेरी सिमिलर टू सिटी। बहुत सारे फूड जॉइंट्स है, शॉप्स है, कैफेज़ है। तो अगर यू आर समबडी हु लाइक्स टू इन्जॉय दैट स्टफ वाइल यू आर इन द वैली और इन द माउंटेंस, तो दैट इज़ अ गुड प्लेस फॉर यू टू स्टे। बट मुझे शांति, सोलेस, पीस बहुत अच्छा लगता है, एंड दैट्स वाई आई एम स्टेइंग हियर, आई ऑप्टेड टू स्टे हियर, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। इट्स ऑल्सो लॉन्ड्री डे, मैंने सारे कपड़े जो मेरे धुलने थे वो यहाँ निकाल के रखे हैं, और चलो इसे ले चलते हैं टू बी वॉश्ड। इट्स अ वेरी मॉडर्न कैंप, यहाँ पर लॉन्ड्री भी है, सो आई जस्ट क्विकली wash my clothes and then have my cup of nice evening chai and then I'll talk to you guys. So this is the laundry mat and I'm here to wash my clothes. जब तक कपड़े धुल रहे हैं, I am doing my grounding practice. इतना समय हो गया है ना कि मैं ऐसे कुछ जगह पर आई हूँ और ऐसा कुछ किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ये हमेशा करना चाहिए, और मैं जब घर पर रहती हूँ तब ये सब चीज़ें क्यों नहीं करती हूँ, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते हम शहरों में ये सब चीज़ें। ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करना इज सो सिंपल, बस वो पहाड़ों में आके क्यों याद आता है मुझे, कुछ भी बोल रही हूँ मैं। बट यहाँ बारिश हो रही है, शायद ही कहीं घूमने जा पाए, वहाँ पे तो सारी बारिश शुरू हो गई है। ये जी रही मेरी चाय जो मैंने आधी पी ली है, और यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है, मतलब अभी मेरे
आगे वाले जो होटल्स भी मुझे दिख रहे थे ना वो भी नहीं दिख रहे, क्योंकि पूरा का पूरा क्लाउड्स आ गया है और एकदम एकदम अचानक से, जो दोपहर में मुझे गर्मी लग रही थी अभी अचानक से एकदम चिली और ठंडा माहौल हो गया है, एंड इट्स वेरी प्लेजेंट एंड इट्स वेरी कामिंग। चलो अभी इसी माहौल को इंजॉय करते हुए मैं अपनी चाय पीती हूँ और आपको मिलती हूँ रात में डिनर के टाइम पे। I am literally staying in the clouds. मतलब मैं कहीं जाने का सोच ही नहीं सकती, इतना कोहरा छा गया है ना यहाँ पर, देखिए like everything is in the clouds, सामने वाला पहाड़ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, मुझे लगता थोड़े देर में ये सामने वाला कैंप भी मुझे नहीं दिखेगा। But it is what it is. I am enjoying my evening here in the clouds. एंड थोड़ा बहुत अभी काम बाकी है वो कर लेती हूँ और आई कॉल इट अ डे फॉर नाउ। मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं, अभी भी काफ़ी ज़्यादा बारिश, उनको सुखाना है। पता नहीं ये सारे कपड़े ना इतनी बारिश में कैसे सूखने वाले हैं, बट लेट्स ट्राई। अभी भी बहुत ज़्यादा कोहरा है यहाँ पर, देखिए कुछ नहीं दिख रहा अभी। और मुझे थोड़ी सी ना ठंड भी लग रही है, तो मैं आ गई अंदर अपने टेंट में और अब मैं थोड़ी सी पहले तो ठंड का कुछ कर लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ी कम ठंड लग रही है, पर ठंड लग रही है और अचानक से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। और अभी मैं करती हूँ एडिटिंग और थोड़ा सा काम और आपको सीधा मिलती हूँ कल के व्लॉग में, है ना। इन 10 दिनों में ना मैं चाह रही हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स का जो काउंट है यूट्यूब पे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए और मैं काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों को छूँ, और मुझे लगता है कि शायद आप लोग उसमें मेरी मदद करने वाले हैं। तो जितना हो सके डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल लिविंग विद साइली। आई लव यू ऑल।